हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश चौधरी आपका आपके अपने चैनल मिकी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज का जो ये वीडियो है ना, वो हमारे 1000 वोकैबुलरी सीरीज का पार्ट 6 वीडियो है, जिसमें हमने पिछली वीडियो की तरह 20 वर्ड को सिलेक्ट किया और हर एक वर्ड आप लोगों के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। तो हर एक वर्ड को आप लोग ध्यान से देखते हुए चलिएगा, ठीक है। तो ज़्यादा समय ना गंवाते हुए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। तो आज हमारे पार्ट 6 का जो हमारा जो पार्ट 6 वीडियो है, इसका पहला जो वर्ड है वो है इम्पूडेंस। क्या इम्पूडेंस? इम्पूडेंस की स्पेलिंग की बात करें अगर, तो स्पेलिंग इसकी होती है IMPUDENCE। इम्पूडेंस, इम्पूडेंस मीन्स क्या होता है? घृष्टता या बेशर्मी। क्या होता है इम्पूडेंस? मीन्स घृष्टता या बेशर्मी। इसकी जो सिनोनिम्स होती है वो होती है एरोगेंस। एरोगेंस की स्पेलिंग क्या होती है? ARROGANCE, एरोगेंस। या सॉसीनेस, सॉसीनेस की स्पेलिंग क्या होती है? SAUCINESS, सॉसीनेस, ठीक है। तो सॉसीनेस हो गया और एरोगेंस हो गया, ठीक है ना। ये दो क्या सिनोनिम से किसका? ये सिनोनिम से किसका? इम्पूडेंस का। किसका? इम्पूडेंस का। इम्पूडेंस मीन्स क्या होता है? घृष्टता या बेशर्मी। क्या होता है? घृष्टता या बेशर्मी, ठीक है। तो आप लोगों को ये वर्ड याद हो गया होगा इम्पूडेंस। इम्पूडेंस मीन्स होता है घृष्टता या बेशर्मी। इसकी सिनोनिम्स है एरोगेंस या सॉसीनेस, ठीक है। अब हम लोगों का जो नेक्स्ट वर्ड है वो है, वो क्या है? नेक्स्ट वर्ड क्या है? जोवियल। क्या? जोवियल। जोवियल की स्पेलिंग की बात करें अगर, तो जोवियल की स्पेलिंग होती है JOVIAL, JOVIAL, जोवियल। जोवियल मीन्स क्या होता है? उल्लासपूर्ण या प्रसन्नचित। क्या होता है? उल्लासपूर्ण या प्रसन्नचित, ठीक है ना। तो जोवियल मीन्स क्या होता है? उल्लासपूर्ण या प्रसन्नचित। अब इसकी सिनोनिम्स की अगर बात करें, तो सिनोनिम्स होती है इसकी चीयरफुल, ठीक है ना। चीयरफुल, चीयरफुल की स्पेलिंग CHEERFUL, चीयरफुल या हिलेरियस। क्या होता है? हिलेरियस। अब हिलेरियस और चीयरफुल किसकी सिनोनिम्स हो गई दोस्तों? जोवियल का, ठीक है ना। अब यहाँ पे हिलेरियस की स्पेलिंग हमने आप लोगों को नहीं बताया, तो हिलेरियस की स्पेलिंग होती है HILARIOUS, हिलेरियस। और चीयरफुल की स्पेलिंग होती है CHEERFUL, चीयरफुल और हिलेरियस, ठीक है ना। ये दोनों किसके सिनोनिम्स हो गए? किसके सिनोनिम्स हो गए? जोवियल के। अब जोवियल मीन्स क्या होता है? उल्लासपूर्ण या प्रसन्नचित्त दोस्तों, ठीक है। तो चलिए हम अगला वर्ड देखते हैं। जो हमारा अगला वर्ड है वो है इंट्रेंसिक। क्या? इंट्रेंसिक। तो इंट्रेंसिक की स्पेलिंग की बात करें अगर, तो इंट्रेंसिक की स्पेलिंग होती है INTRINSIC, इंट्रेंसिक, ठीक है ना। तो इंट्रेंसिक मीन्स क्या होता है? स्वाभाविक या आंतरिक, ठीक है ना। स्वाभाविक या आंतरिक क्या होता है? इंट्रेंसिक मीन्स स्वाभाविक या आंतरिक। अब अगर इसकी सिनोनिम्स की बात करें, तो सिनोनिम्स इसकी होती है इनहेरेंट। इनहेरेंट की स्पेलिंग होती है INHERENT, इनहेरेंट या इंटरनल। इंटरनल की स्पेलिंग देख लेते हैं, तो इंटरनल की स्पेलिंग होती है INTERNAL, इंटरनल। तो इंटरनल और इनहेरेंट किसका सिनोनिम्स हो गया? तो ये किसका सिनोनिम्स है? इंट्रेंसिक का। किसका? इंट्रेंसिक का। इंट्रेंसिक मीन्स क्या होता है? स्वाभाविक या आंतरिक। और इसका सिनोनिम्स क्या होता है? इनहेरेंट या इंटरनल, ठीक है ना। तो हम लोगों को तीन वर्ड याद हो गए हैं, इम्पूडेंस, जोवियल। क्या क्या? इम्पूडेंस, जोवियल और इंट्रेंसिक, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड जो है हम लोगों का वो क्या है? अगला वर्ड क्या है? फो। क्या है? फो। फो की स्पेलिंग FOE, फो, ठीक है ना। FOE, फो। फो मीन्स क्या होता है? शत्रु या दुश्मन, ठीक है ना। फो मीन्स क्या होता है? शत्रु या दुश्मन। अब इसकी सिनोनिम्स की अगर बात करें, तो सिनोनिम्स होती है एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट की स्पेलिंग देख लेते हैं ANTAGONIST, एंटा और गोनिस्ट की स्पेलिंग GONIST, गोनिस्ट, एंटागोनिस्ट। और सेकंड जो सिनोनिम्स है वो है अपोनेंट। क्या?
अपोनेंट, अपोनेंट की अगर स्पेलिंग की बात करें तो अपोनेंट की स्पेलिंग होती है OPPONENT, अपोनेंट, ठीक है ना, OPPONENT, अपोनेंट, ठीक है। तो अपोनेंट और एंटागोनिस्टिक किसका सिनोनिम्स हो गया, ये सिनोनिम्स है फो का, किसका, फो का, ठीक है ना। फो मीन्स होता है शत्रु या दुश्मन, इसका सिनोनिम जो होता है एंटागोनिस्टिक या अपोनेंट, ठीक है। तो चलिए हम लोग अगला वर्ड देखते हैं, अगला वर्ड हम लोगों का इलुसिडेट, ठीक है ना, क्या है नेक्स्ट वर्ड जो है हम लोगों का वो है इलुसिडेट, ठीक है। इलुसिडेट, इलुसिडेट मीन्स क्या होता है, इलुसिडेट की स्पेलिंग पहले देख लेते हैं, तो इलुसिडेट की स्पेलिंग होती है ELUCIDATE, इलुसिडेट। इलुसिडेट मीन्स क्या होता है दोस्तों, स्पष्ट करना, क्या होता है, स्पष्ट करना, ठीक है। अब इसकी सिनोनिम्स की अगर बात करें तो सिनोनिम्स होती है इसकी क्लैरिफाई, क्लैरिफाई की स्पेलिंग CLARIFY, क्लैरिफाई। इसकी सिनोनिम्स क्या होती है, क्लैरिफाई, क्लैरिफाई की स्पेलिंग क्या होती है CLARIFY, क्लैरिफाई। और सेकंड जो सिनोनिम्स है वो है इनलाइटन, तो इनलाइटन की स्पेलिंग क्या होती है ENLIGHTEN, इनलाइटन। तो क्लैरिफाई हो गया और इनलाइटन हो गया, ठीक है, ये किसकी सिनोनिम्स है, यह है इलुसिडेट का। इलुसिडेट मीन्स क्या होता है, स्पष्ट करना, ठीक है ना, इलुसिडेट, इलुसिडेट मीन्स स्पष्ट करना, सिनोनिम्स इसका क्लैरिफाई या इनलाइटन, ठीक है ना। तो चलिए अगला वर्ड हम लोग देखते हैं, अगला वर्ड क्या है हम लोगों का, अगला वर्ड क्या है हम लोगों का, अगला वर्ड है फैब्रिकेट, क्या, फैब्रिकेट, फैब्रिकेट की स्पेलिंग देख लेते हैं हम लोग, तो फैब्रिकेट की स्पेलिंग होती है FABRICATE, फैब्रिकेट। फैब्रिकेट मीन्स क्या होता है, गढ़ना, क्या होता है, गढ़ना या निर्माण करना, ठीक है। फैब्रिकेट मीन्स क्या होता है, गढ़ना या निर्माण करना। अब इसकी सिनोनिम्स की अगर बात करें तो सिनोनिम्स होती है इसकी मैनिपुलेट, क्या, मैनिपुलेट, मैनिपुलेट की स्पेलिंग क्या होती है MANI, मैनी, PULATE, पुलेट, मैनिपुलेट या बिल्ड, ठीक है ना, मैनिपुलेट या बिल्ड। तो मैनिपुलेट की स्पेलिंग देख लेते हैं MANIPULATE, मैनिपुलेट, ठीक है ना। अब बिल्ड, बिल्ड की स्पेलिंग देखते हैं BULD, बिल्ड, ठीक है ना। तो ये दो, बिल्ड एक है और एक मैनिपुलेट है, ये दोनों किसके सिनोनिम्स हो गए हैं, तो ये सिनोनिम्स है फैब्रिकेट का, किसका, फैब्रिकेट का। फैब्रिकेट मीन्स क्या होता है, गढ़ना या निर्माण करना, ठीक है ना। इसकी सिनोनिम्स क्या है, मैनिपुलेट या बिल्ड, ठीक है। चलिए अगला वर्ड देखते हैं हम लोग, अगला वर्ड जो है वो है एकॉर्ड, क्या है, एकॉर्ड, एकॉर्ड की स्पेलिंग क्या होती है ACORD, एकॉर्ड, क्या होता है ACORD, एकॉर्ड। एकॉर्ड मीन्स क्या होता है, समझौता या सहमति, क्या होता है, समझौता या सहमति। तो समझौता और सहमति किसका मीनिंग है, एकॉर्ड का, ठीक है ना। एकॉर्ड की मीनिंग क्या है, समझौता और सहमति, ठीक है। अब इसकी सिनोनिम्स देखते हैं, सिनोनिम्स क्या होता है, एग्रीमेंट या हारमोनी, ठीक है, क्या होता है, एग्रीमेंट या हारमोनी। एग्रीमेंट की स्पेलिंग देख लेते हैं, तो एग्रीमेंट की स्पेलिंग होती है AGREMENT, एग्रीमेंट, ठीक है। अब हारमोनी की स्पेलिंग देख लेते हैं, तो हारमोनी की स्पेलिंग है HARMONY, हारमोनी, ठीक है ना। हारमोनी हो गया और एग्रीमेंट हो गया, ठीक है, ये दोनों सिनोनिम्स है किसके, किसका सिनोनिम्स है, एकॉर्ड का। एकॉर्ड मीन्स क्या होता है, समझौता या सहमति, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट वर्ड जो है हम लोगों का वो है ब्लीक, क्या, ब्लीक, ब्लीक मीन्स क्या होता है, बेरंग। अब ब्लीक, ब्लीक की स्पेलिंग हम लोग देख लेते हैं, तो ब्लीक की स्पेलिंग होती है BLEAK, ब्लीक, ब्लीक मीन्स क्या होता है, बेरंग या निष्कपट, क्या होता है, बेरंग या निष्कपट। इसकी सिनोनिम्स अगर देखें तो सिनोनिम्स होती है ग्लूमी क्या होता है, ग्लूमी या ड्रेरी, क्या, ग्लूमी या ड्रेरी। अब ग्लूमी की स्पेलिंग क्या होती है, GLOOMY, ग्लूमी, और ड्रेरी की स्पेलिंग क्या होती है, DREARY, ड्रेरी।
तो ग्लूमी और ड्रेरी, ये किसका सिनोनिम्स हो गया, तो ये सिनोनिम्स है ब्लीक का। ब्लीक की स्पेलिंग क्या होती है, BLEAK, ब्लीक। ब्लीक मीन्स क्या होता है, बेरंग या निष्कपट, ठीक है ना। तो चलिए अगला वर्ड हम लोग देखते हैं। जो अगला वर्ड है हम लोगों का वो क्या है, कार्पुलेंट। क्या कार्पुलेंट, कार्पुलेंट मीन्स क्या होता है, चर्बी युक्त। कार्पुलेंट मीन्स क्या होता है, चर्बी युक्त। तो कार्पुलेंट की स्पेलिंग हम लोग देख लेते हैं, तो कार्पुलेंट की स्पेलिंग है CORPULENT, कार्पुलेंट। कार्पुलेंट मीन्स क्या, चर्बी युक्त। इसकी सिनोनिम्स है फैट या ओबेस या अगली, ठीक है ना। फैट की स्पेलिंग FAT, ओबेस की स्पेलिंग OBESE, अगली की स्पेलिंग UGLY, ठीक है ना। अगली की स्पेलिंग क्या हो गई, UGLY। अब अगली और ओबेस और फैट, ये किसका सिनोनिम्स है, किसका सिनोनिम्स है दोस्तों, तो ये है कार्पुलेंट का, ठीक है ना। तो चलिए अगला वर्ड हम लोग देखते हैं। अगला वर्ड जो है हम लोगों का वो है ब्लेम। क्या है, ब्लेम। अब ब्लेम की स्पेलिंग क्या होती है, BLAME, ब्लेम। ब्लेम मीन्स क्या होता है, दोष या कलंक। क्या होता है, दोष या कलंक, ठीक है। तो इसकी जो सिनोनिम्स है वो क्या है, रिप्रूव। क्या रिप्रूव, रिप्रूव की स्पेलिंग क्या होती है, REPROVE, रिप्रूव। क्या होता है, REPROVE, रिप्रूव, रिप्रूव। और सेकंड जो सिनोनिम्स है वो क्या है, रिप्रोच। क्या रिप्रोच, रिप्रोच की स्पेलिंग क्या होती है, REPROACH। क्या होता है, REPROACH, रिप्रोच या रिप्रूव, ठीक है ना। ये किसका सिनोनिम्स है, ये सिनोनिम्स है ब्लेम का। किसका सिनोनिम्स है, ब्लेम का। ब्लेम मीन्स क्या होता है, दोष या कलंक, ठीक है ना। तो चलिए अगला वर्ड देखते हैं हम लोग। अगला वर्ड है हम लोगों का कैरिकेचर। क्या अगला जो वर्ड है वो हम लोगों का क्या है, कैरिकेचर। कैरिकेचर मीन्स क्या होता है, कार्टून वाला या व्यंग्य चित्र। कैरिकेचर मीन्स क्या होता है, कार्टून वाला या व्यंग्य चित्र। अब कैरिकेचर की स्पेलिंग हम लोग देख लेते हैं, तो कैरिकेचर की स्पेलिंग क्या है, CARICATURE, CARICATURE, कैरिकेचर। कैरिकेचर मीन्स क्या होता है, कार्टून वाला या व्यंग्य चित्र। इसकी सिनोनिम्स जो होती है वो होती है पैरोडी। पैरोडी की स्पेलिंग है PAROODY, पैरोडी, ठीक है ना। तो पैरोडी किसकी सिनोनिम्स है दोस्तों, तो पैरोडी सिनोनिम्स है किसका, कैरिकेचर का। किसका, कैरिकेचर का, ठीक है। तो कैरिकेचर मीन्स क्या होता है, कार्टून वाला या व्यंग्य चित्र। कार्टून वाला या व्यंग्य चित्र, इसकी सिनोनिम्स क्या होती है, पैरोडी, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हम लोग। जो नेक्स्ट वर्ड है हम लोगों का वो है कॉन्टेम्प्ट। क्या कॉन्टेम्प्ट, तो कॉन्टेम्प्ट मीन्स क्या होता है, कॉन्टेम्प्ट मीन्स क्या होता है, अपमान करना। अब कॉन्टेम्प्ट की स्पेलिंग हम लोग देख लेते हैं, तो कॉन्टेम्प्ट की स्पेलिंग होती है CONTEMPT, CONTEMPT, कॉन्टेम्प्ट। कॉन्टेम्प्ट मीन्स क्या होता है, अपमान करना। क्या होता है, अपमान करना। अब इसकी सिनोनिम्स की अगर बात करें तो इसकी सिनोनिम्स होती है स्कॉर्न। क्या स्कॉर्न, स्कॉर्न की स्पेलिंग क्या होती है, SCORN, स्कॉर्न। और डिसरिगार्ड, अगला जो सिनोनिम्स है वो है डिसरिगार्ड। डिसरिगार्ड की स्पेलिंग क्या होती है, DISREGARD, डिसरिगार्ड। और पहला क्या सिनोनिम्स है, स्कॉर्न। स्कॉर्न की स्पेलिंग होती है SCORN, और डिसरिगार्ड की स्पेलिंग होती है DISREGARD, ठीक है ना। डिसरिगार्ड या स्कॉर्न, ये किसका सिनोनिम्स है दोस्तों, तो ये सिनोनिम्स है कंटेम्प्ट का। किसका, कंटेम्प्ट का, ठीक है ना। तो चलिए अगला वर्ड देखते हैं हम लोग। अगला वर्ड है हम लोगों का कैप्टिविटी। क्या कैप्टिविटी, अब कैप्टिविटी की स्पेलिंग की बात करें तो कैप्टिविटी की स्पेलिंग होती है CAPTIVITY, CAPTIVITY, कैप्टिविटी। कैप्टिविटी मीन्स होता है कैद या बंधना, ठीक है ना, कैद या बंधना, ठीक है।
अब इसके सिनोनिम्स की अगर बात करें तो सिनोनिम्स होती है एप्रीहेंड। एप्रीहेंड की स्पेलिंग क्या होती है? APPREHEND, एप्रीहेंड, ठीक है ना। और अगला जो सिनोनिम्स है वो होता है रीस्ट्रेन। क्या होता है? रीस्ट्रेन। तो रीस्ट्रेन की स्पेलिंग क्या होती है? RESTRAIN, रीस्ट्रेन। एक एप्रीहेंड होता है, एक रीस्ट्रेन होता है, ठीक है। ये किसका सिनोनिम्स है? तो ये सिनोनिम्स है कैप्टिविटी का। किसका? कैप्टिविटी का। तो कैप्टिविटी मीन्स क्या होता है? कैद या बंधना। सिनोनिम्स है एप्रीहेंड या रिस्ट्रेन, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हम लोग। जो नेक्स्ट वर्ड है हम लोगों का वो है डिफाइल। क्या? डिफाइल। डिफाइल की स्पेलिंग क्या होती है? तो डिफाइल की स्पेलिंग होती है DEFILE, डिफाइल। डिफाइल मीन्स होता है अपवित्र करना। क्या होता है? अपवित्र करना। इसकी जो सिनोनिम्स होती है वो होती है पहला कॉन्टामिनेट। कॉन्टामिनेट की स्पेलिंग क्या होती है? CONTAMINATE। कॉन्टामिनेट। कॉन्टामिनेट की स्पेलिंग क्या होती है? CONTAMINATE, कॉन्टामिनेट, ठीक है। और सेकंड जो सिनोनिम्स है वो है प्रोफेन। क्या? प्रोफेन। प्रोफेन की स्पेलिंग क्या होती है? PROFANE, प्रोफेन। तो हमारा दो सिनोनिम्स हो गया, एक तो कॉन्टामिनेट, एक प्रोफेन, ठीक है। ये किसका सिनोनिम्स है दोस्तों? तो ये सिनोनिम्स है किसका? डिफाइल का, ठीक है ना। डिफाइल मीन्स क्या होता है? अपवित्र करना, ठीक है। चलिए अगला वर्ड देखते हैं हम लोग। तो हमने पढ़ लिया क्या दोस्तों? डिफाइल। डिफाइल मीन्स क्या होता है? या पवित्र करना। इसका सिनोनिम्स है कॉन्टामिनेट या प्रोफेन, ठीक है। इसका सिनोनिम्स क्या है? कॉन्टामिनेट या प्रोफेन, ठीक है। अब नेक्स्ट वर्ड जो है हम लोगों का वो है डिज़ास्टर। क्या है? डिज़ास्टर। डिज़ास्टर की स्पेलिंग की बात करें तो डिज़ास्टर की स्पेलिंग होती है DISASTER, डिज़ास्टर। डिज़ास्टर मीन्स क्या होता है? आपदा। अब इसकी सिनोनिम्स की अगर बात करें तो सिनोनिम्स इसकी होती है मिसफार्चून। क्या होता है? मिसफार्चून या मिसहैप, ठीक है। मिसफार्चून या मिसहैप। मिसफार्चून की स्पेलिंग क्या होती है? MISFORTUNE, मिसफार्चून। और मिसहैप की स्पेलिंग क्या होती है? MISHAP, मिसहैप, ठीक है। तो मिसहैप और मिसफार्चून ये किसका सिनोनिम्स है? डिज़ास्टर का। किसका? डिज़ास्टर का, ठीक है। तो चलिए अगला वर्ड देखते हैं हम लोग। अगला वर्ड जो है हम लोगों का वो है फ्रेजाइल। क्या? फ्रेजाइल। तो फ्रेजाइल की स्पेलिंग की बात करते हैं तो फ्रेजाइल की स्पेलिंग होती है FRAGILE। फ्रेजाइल मीन्स क्या होता है? नाजुक या टूटने फूटने वाला, ठीक है। क्या होता है? नाजुक या टूटने फूटने वाला। फ्रेजाइल मीन्स क्या होता है? नाजुक या टूटने फूटने वाला। इसकी सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स होती है वीक या ब्रिटल, ठीक है ना। वीक या ब्रिटल। तब वीक की स्पेलिंग क्या होती है? WEAK। और ब्रिटल की स्पेलिंग क्या होती है? BRITLE, ब्रिटल, ठीक है। तो वीक और ब्रिटल ये दोनों किसका सिनोनिम्स हो गया? किसका सिनोनिम्स हो गया दोस्तों? तो ये है फ्रेजाइल का। किसका? फ्रेजाइल का, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हम लोग। जो नेक्स्ट वर्ड है हम लोगों का वो है फ्रेंटिक। क्या? फ्रेंटिक। फ्रेंटिक मीन्स पहले देख लेते हैं फ्रेंटिक की स्पेलिंग। तो फ्रेंटिक की स्पेलिंग होती है FRANTIC, FRANTIC, फ्रेंटिक। फ्रेंटिक मीन्स होता है उग्र, उन्मत्त या पागल। क्या? उग्र, उन्मत्त या पागल, ठीक है। ये किसका सिनोनिम्स है? तो ये सिनोनिम्स है वायोलेंट का। इसकी सिनोनिम्स क्या है? वायोलेंट, ठीक है। वायोलेंट की स्पेलिंग क्या होती है? VIOLENT, वायोलेंट। और सेकंड जो सिनोनिम्स है वो कौन सा है? वाइल्ड, ठीक है, WILD, ठीक। तो वाइल्ड और वायोलेंट, ठीक है। ये किसकी सिनोनिम्स हो गई? तो ये सिनोनिम्स हो गई फ्रेंटिक का। इसका? फ्रेंटिक का, ठीक है। तो आप लोगों को ये वर्ड याद हो गया होगा फ्रेंटिक। फ्रेंटिक मीन्स होता है उग्र या उन्मत्त या पागल। सिनोनिम्स इसकी होती है वायोलेंट या वाइल्ड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट वर्ड जो है वो है फैसाइल। क्या? फैसाइल, ठीक। फैसाइल की स्पेलिंग FACILE, फैसाइल। फैसाइल मीन्स क्या होता है? सुगम या सहज। फैसाइल मीन्स क्या होता है? सुगम या सहज। इसकी सिनोनिम्स होती है स्किलफुल।
स्किलफुल, स्किलफुल की स्पेलिंग क्या होती है, SKILFUL, स्किलफुल, और इफर्टलेस, ठीक है, इफर्टलेस की स्पेलिंग क्या होती है, EFFORTLESS, ठीक है। तो इफर्टलेस और स्किलफुल ये किसकी सिनोनिम्स हो गई दोस्तों, तो ये सिनोनिम्स है फेसाइल का। फेसाइल मीन्स क्या होता है, तो सुगम या सहज, ठीक है। तो चलिए हम बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ। अगला वर्ड है हमारा, अगला वर्ड है इंजेनुअस, क्या, इंजेनुअस। इंजेनुअस की स्पेलिंग क्या होती है, तो INGENUOUS, इंजेनुअस। इंजेनुअस मीन्स होता है निष्कपट या सरल, निष्कपट या सरल। अब इसकी सिनोनिम्स क्या होती है, सिनोनिम्स होती है गाइललेस, क्या, गाइललेस। तो गाइललेस की स्पेलिंग क्या होती है, GUILE, गाइल, LESS, गाइललेस, ठीक है। अगला जो सिनोनिम्स है वो है कैंडिड। कैंडिड की स्पेलिंग क्या होती है, CANDID, कैंडिड, और गाइललेस ये किसकी सिनोनिम्स हो गई, ये सिनोनिम्स है इंजेनुअस का। इंजेनुअस मीन्स होता है निष्कपट या सरल, ठीक है। तो आप लोगों को ये वर्ड याद हो गया होगा दोस्तों, इंजेनुअस। इंजेनुअस मीन्स होता है निष्कपट या सरल। इसकी सिनोनिम्स होती है गाइललेस या कैंडिड, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हम लोग, जो कि हमारे पार्ट, इस पार्ट का लास्ट वर्ड है, वो है इनसाइट। क्या है, इनसाइट। इनसाइट की स्पेलिंग क्या होती है, INCITE, इनसाइट। इनसाइट मीन्स क्या होता है, उत्तेजित करना। इनसाइट मीन्स क्या होता है, उत्तेजित करना। और इसकी सिनोनिम्स जो होती है वो होती है प्रवोक। प्रवोक की स्पेलिंग क्या होती है, PROVOKE, प्रवोक या मोटिवेट, ठीक है, MOTIVATE, मोटिवेट या प्रवोक, ठीक है। ये किसका सिनोनिम्स है दोस्तों, ये किसका सिनोनिम्स है, इनसाइट का। इनसाइट मीन्स क्या होता है, उत्तेजित करना। सिनोनिम्स होता है इसका प्रवोक या मोटिवेट, ठीक है। तो चलिए दोस्तों एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं, जितने भी वर्ड हमने पढ़े उन सारे वर्डों को हम रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। पहला वर्ड हमने पढ़ा इम्पूडेंस, पहला वर्ड क्या पढ़ा, इम्पूडेंस। इम्पूडेंस मीन्स होता है घृष्टता या बेशर्मी। सिनोनिम्स है इसका एरोगेंस या साउसीनेस, ठीक है। सेकेंड वर्ड पढ़ा हमने जोवियल, जोवियल मीन्स होता है उल्लासपूर्ण या प्रसन्नचित। सिनोनिम्स है इसका चीयरफुल या हिलेरियस। नेक्स्ट वर्ड पढ़ा हमने इंट्रेंसिक, इंट्रेंसिक मीन्स होता है स्वाभाविक या आंतरिक। सिनोनिम्स होता है इसका इनहेरेंट या इंटरनल। नेक्स्ट वर्ड पढ़ा हमने फो, फो मीन्स होता है शत्रु या दुश्मन, ठीक है। इसका सिनोनिम्स है एंटागोनिस्टिक या अपोनेंट, ठीक है। उसके बाद से हमने पढ़ा क्या, उसके बाद पढ़ा इलूसिडेट। इलूसिडेट मीन्स होता है स्पष्ट करना। इसकी सिनोनिम्स है क्लेरिफाई या इनलाइटेंड, ठीक है। उसके बाद से पढ़ा हमने फैब्रिकेट। फैब्रिकेट मीन्स होता है गढ़ना या निर्माण करना। इसकी सिनोनिम्स होती है मैनिपुलेट या बिल्ड, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमने पढ़ा एकॉर्ड। एकॉर्ड मीन्स होता है समझौता या सहमति। इसकी सिनोनिम्स हमने पढ़ा एग्रीमेंट या हारमोनी। नेक्स्ट वर्ड पढ़ा हमने ब्लीक। ब्लीक मीन्स होता है बेरंग या निष्कपट। सिनोनिम्स है इसका ग्लूमी या ड्रेरी। नेक्स्ट वर्ड पढ़ा हमने कार्पुलेंट। कार्पुलेंट मीन्स होता है चर्बी युक्त। सिनोनिम्स इसका होता है फैट या ऑबेस या अगली। नेक्स्ट वर्ड पढ़ा हमने ब्लेम। ब्लेम मीन्स होता है दोष, दोष या कलंक। सिनोनिम्स इसका रिप्रूव या रिप्रोच, ठीक है। उसके बाद से हमने पढ़ा कैरिकेचर। कैरिकेचर मीन्स होता है कार्टून वाला या व्यंग चित्र। इसकी सिनोनिम्स हमने पढ़ा पैरोडी। उसके बाद से हमने क्या पढ़ा, उसके बाद से हमने पढ़ा कॉन्टेम्प्ट। कॉन्टेम्प्ट मीन्स क्या होता है, अपमान करना। इसकी सिनोनिम्स होती है स्कॉर्न या डिसरिगार्ड, ठीक है। उसके बाद से हमने पढ़ा कैप्टिविटी। कैप्टिविटी मीन्स होता है कैद या बंधना। इसकी सिनोनिम्स हमने पढ़ा एप्रीहेंड या रिस्ट्रेंड। उसके बाद से पढ़ा हमने डिफाइल। डिफाइल मीन्स होता है अपवित्र या अपवित्र करना। सिनोनिम्स इसका हमने पढ़ा कॉन्टामिनेट या प्रोफेन। उसके बाद से पढ़ा हमने डिजास्टर। डिजास्टर मीन्स क्या होता है, आपदा। इसकी सिनोनिम्स हमने पढ़ा मिसफॉर्च्यून या मिसहैप, ठीक है। उसके बाद से हमने पढ़ा, नेक्स्ट वर्ड जो पढ़ा वो फ्रेजाइल। फ्रेजाइल मीन्स नाजुक या टूटने फूटने वाला। इसका सिनोनिम्स है वीक या ब्रिटल। फिर हमने पढ़ा फ्रेंटिक। फ्रेंटिक मीन्स उग्र, उन्मत्त या पागल। इसकी सिनोनिम्स हमने पढ़ा वायोलेंट या वाइल्ड, ठीक है। उसके बाद से पढ़ा हमने फेसाइल। फेसाइल मीन्स होता है सुगम या सहज। सिनोनिम्स इसका पढ़ा स्किलफुल या इफर्टलेस। उसके बाद से हमने पढ़ा इंजेनुअस। इंजेनुअस मीन्स होता है निष्कपट या सरल। सिनोनिम्स इसका पढ़ा हमने गाइललेस या कैंडिड, ठीक है। उसके बाद से पढ़ा जो इस पार्ट का
लास्ट वर्ड हमने पढ़ा वो है इनसाइड। इनसाइड मीन्स क्या होता है, उत्तेजित करना। सिनोनिम्स इसका पढ़ा प्रोवोक या मोटिवेट, ठीक है, प्रोवोक या मोटिवेट, ठीक है। तो दोस्तों आज का जो ये वीडियो है हमारा वो यहीं पे समाप्त होता है। दोस्तों अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए दोस्तों, ठीक है, लाइक और शेयर ज़रूर करिए और मेरे इस चैनल को मिक्की क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करिए दोस्तों, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम मिलते हैं आपको अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।